ऐसे रोज सुन रहे हैं कि हम लोग रांची आए हुए हैं, पर रांची आए हैं किस लिए कारण तो पता नहीं है। रोज देख रहे हैं हम लोग घूमते हुए, पर घूम भी किस लिए रहे भी किसी को नहीं पता। चलो दिखाते हैं आज हम लोग कहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं। ऐसे तो हम लोग आए हैं मत्स्य का ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर, मछली पालन का। हम लोग भी अपने खेतों को और ऐसे तालाब के रूप में बदलना चाहते हैं और बिजनेस अपना करना चाहते हैं। मेरा सपना भी एक तरह से करने का। चलिए दिखाते हैं हम लोग आए कहाँ हैं और हम लोग है कहाँ। अभी हम लोग शालीमार दुर्गा में है रांची में, यहाँ से स्टेडियम भी सामने है और विधानसभा भी सामने है, रांची हाईकोर्ट भी बगल में ही है, सब एकदम बगल में है। हम लोग एकदम मेन चौक पे हैं और आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि देखिए हाईवे सामने है। काफ़ी भीड़ है और सुबह का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा घूमने जगह है यहाँ पर है, घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी हम लोग को 10 बजे से क्लास है, 10 से 5 बजे तक क्लास है, इसलिए बीच में वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। अभी जा रहे हम लोग, नाश्ता का टाइम हो चुका है, 8 बजे हम लोग और नाश्ता रखा है, 9:30-9:30 हम लोग जा रहे हैं अपने मत्स्य पालन की ट्रेनिंग जहाँ होता है वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ पर रहते हैं, और हम लोग अभी बस पहुँचने ही वाले हैं। आपको दिख रहा होगा दीवार पे, देखिए हम मछली बना होगा जल में, अगर शायद दिख रहा होगा तो। हम बस जाहिर है हम और हमारे दो दोस्त आए हैं, तो हम लोग आए हैं ट्रेनिंग में। हम लोग यहाँ पर 5 दिन का ट्रेनिंग है, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जाएंगे और घर में अपना शुरुआत करेंगे। अभी तो धान लगी हुई है, धान कटने के बाद वो खेत को हम लोग तालाब का निर्माण करेंगे हम लोग, और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं शौक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ पर हम लोग हैं। टाटा का देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का गेट जहाँ हम लोग आए हैं। हमारे शायद धूप का वजह नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग घुस रहे हैं गेट के अंदर। यहीं हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ देखिए मछली पालन हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं और बहुत बड़ी मछलियाँ हैं। ऐसे तो खाना है नहीं, वरना खाना तो जब दिखाता हूँ। मछली खाना है पैकेट में, पर पैकेट अभी रूम में हम लोग रखे हैं खाना का, उसमें है खाना थोड़ा सा। अभी लाते तो दिखाते हैं मछली, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ देखिए। और यहाँ अंदर पीछे घूमने की बहुत जगह है, यहाँ देखिए। ये है हम लोग को जहाँ पर हमें शिक्षक लोग बैठते हैं यहाँ पर, और धूप काफ़ी सीधी मार रही हो सकती है कि नज़र नहीं आ रहा हो, देखिए। और एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम देखिए। देखिए हम लोग गेट के अंदर घुस रहे हैं, ये है गेट, यहाँ से भी जाने रास्ता है, इधर का रास्ता भी है, तो हम लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है। सब नाश्ता खाने बैठ चुका, हम लोग भी जाने वाले हैं, क्योंकि फिर बाद में नाश्ता मिलेगी नहीं, और फिर तो 12-1 बजे के बाद ही फिर खाना मिलेगा, फिर भूख लग जाएगी सुबह सुबह। देखिए इधर भी तालाब है, और देखिए साइड साइड में केले लगे हुए हैं, और सब में केला है, सब में एक दो करके केला है, सब में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग रहते हैं, और सबसे ऊपर तला में रहते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये हम लोग कैंटीन है, यहाँ खाना खाने वाले हैं। देखिए यहाँ केला लगा हुआ, देखिए पीछे देखिए इसमें केला है एक ठो, और यहाँ देखिए तालाब है। देखिए वो आपको दिख रहा होगा मशीन, एरिएटर है, वो ऑक्सीजन की मात्रा बनाती है पानी में। इधर चल, चलिए अभी खाना खा रहा है, भीड़ काफ़ी है, खाली होता है तब खाते, तब सब घुमाते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। देखिए इधर घूमने काफ़ी सी जगह बनाया है, ये देखिए यहाँ नर्सरी लिखा हुआ है, तालाब संख्या 1। यहाँ पर
अंडा का निर्माण होन मछली के ना। हाँ यहाँ मछलियों के बच्चे का निर्माण किया जाता है, 1 से 2 दिन में 3 दिन में मछली अंडे से निकलती है बच्चे। उसमें बस 2 से 3 दिन के बच्चे को इसमें डाला जाता है नर्सरी तालाब टू में। देखिए यहाँ पर वो सीप का क्या बोलो, वो क्या नाम बोलो सीप में, हाँ वो मोती का खेत होता है। देखिए यहाँ मोती का खेत हो रहा है, देखिए इसमें मोती डाला हुआ है, वो जो वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको सामने से, देखिए देखिए दिख रहा होगा ना, उसमें जाल में मोती टांगा हुआ है, उसमें वो मोती इसमें तैयार हो रही है। और मोती की खेती काफ़ी लंबा टाइम प्रोसेस होता है, 2 साल के बाद ही शायद होता है तो हम पता चला जहाँ तक है। देखिए जहाँ तक देखिएगा तालाब ही तालाब दिखेगा आपको पूरा, और साइड साइड में पूरा अच्छा घूमने जगह बनाया है, एकदम बहुत मस्त जगह है एकदम घूमने के लिए। तो ऐसे देख चुके आप लोग, हम लोग यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और हम लोग को करना है इसी से, दोनों हाथ में लाए हम तो दोस्त हैं यहाँ पर, और मेरा सपना है करने के लिए, और देखते हैं इस साल मेरा स्टार्टअप है इस साल का, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है नया नया। ऐसे तो अभी कुछ अभी सिर्फ प्रैक्टिकल तो किए नहीं, अभी नॉर्मली जो पढ़ाया जा रहा है वही सीख रहे हैं, जब घर पर करेंगे तो प्रैक्टिकली पता चलेगा किस तरह करना है कैसे करना है। फिर वहाँ भी वीडियो दिखाएंगे किस तरह भी तालाब का निर्माण होने वाला है, तालाब भी पढ़ाएंगे, और जनवरी फरवरी में तालाब कूड़ेगा जब थोड़ा खेत सूख जाएगा, क्योंकि अभी धान कटा, अभी पानी का थोड़ा नमी होगा, थोड़ी जैसे सूखेगा उसको पढ़ाया जाएगा। देखिए धूप काफ़ी तेज है, क्योंकि आग पे ही लग रहा धूप एकदम पूरा, और हम लोग का आज लास्ट की क्लास है, कल हम लोग का सर्टिफिकेट देंगे, और कल शाम को 12 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये 12:30 बजे ट्रेन है हम लोग का, और फिर शाम तक घर पहुँच जाएंगे हम लोग। तो जो दोस्तों देख रहे होंगे उसको भी अगर कभी मछली पालन करना है तो आए यहाँ से रांची से ट्रेनिंग लें, आप ब्लॉक के माध्यम से या फिर जिला मत्स्य विभाग से संपर्क करें, वहाँ से आप फॉर्म भरें और यहाँ पर आए, आपको खाना पीना रहना सब मुफ्त मिलेगा एकदम। देखिए यहाँ तालाब दिखाते आप लोग, तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा न टालते हुए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।